नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है विष्णु वी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कमाल वीडियो में आपके लिए देखा है कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। ज्यादा बढ़िया रहेगा इससे। बाकी इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 1 GB की रैम है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, 1.3 GHz का आपको क्वालकॉम को है, वो सॉरी शायद मीडियाटेक का प्रोसेसर आपको देखने को जो क्वाड कोर है और 7.0 नोगर पे चलने वाला है ये फोन। और बाकी यार 2400 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। बाकी 4500 रुपये में अगर आप सोच रहे कोई फोन खरीदे तो थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाले जो कि आपको इस प्राइस रेंज में इससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। तो मैं जो अगली न्यूज आती है वो आती है Asus के Zenfone 5 के नए एक मॉडल को लेके, जिसका जो है कोड नेम है या मॉडल नंबर है वो है Asus Z01RD। और ये जो है बेंचमार्किंग एप्लीकेशन जो कि है Antutu Benchmark, वहाँ पर इसे स्पॉट किया गया, जिससे स्पेसिफिक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं। Qualcomm का Snapdragon 845 प्रोसेसर है, Adreno 630 GB, Adreno थोड़ा मतलब नया ही है इसमें। और यहाँ पर फुल एच डी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ, 6 GB की रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। और स्कोर्स की बात करें तो 248,129 बेंचमार्क स्कोर से, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया काम करने वाला है। और ऑब्वियसली इसकी प्राइसिंग भी बढ़िया होगी, क्योंकि ये फ्लैगशिप के आसपास आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। थोड़ी जगह नहीं जाती वो आती है व्हाट्सएप के लिए, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप का पिछले साल आपको एक फीचर देखने को मिला, जो फीचर था वो था डिलीट फॉर ऑल, जो मैसेज था अगर आपने सेट कर दिया गलती से तो यहाँ पर 7 मिनट के अंदर आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये अब थोड़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप्स में अपने मैसेज को एक भेजते हैं ग्रुप में, तो वहाँ पर अगर किसी ने आपके उस मैसेज को कोट कर दिया तो यहाँ पर अगर आप डिलीट करेंगे तो वो फिर भी ये मैसेज डिलीट नहीं होगा। तो रेडियो वो आती है HMD ग्लोबल की तरफ, जिसने की मतलब नोकिया की सबसे पूरा दमखम उसने नोकिया पर लगा दिया। और नोकिया पे जो है यहाँ पर नोकिया 8 Pro आपको शायद देखने को मिल सकता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। तो मतलब यहाँ पर जो है पहले लीक्स थे कि नोकिया 10 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पहले कुछ लीक्स ऐसी भी है नोकिया 8 Pro को देखने को मिलेगा। अब जो है ट्रेडमार्क भी फाइल किया गया था नोकिया 8 Pro को नाम से, जो कि नोकिया 8 का प्रीमियम वर्जन होने वाला है, और शायद ये जो है नोकिया 8 Pro नाम से मार्केट में आएगा। और नोकिया 10 में जो आपको पीछे 5 लेंस वाला आपको कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स वाले एक सेटअप देखने को मिलता था, 5 लेंस वाले कैमरास का जो कि रिंग है बड़ी सी, वो आपको नोकिया 10 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है लीक्स के अकॉर्डिंग अब बात कुछ ऐसी कि शायद आपको नोकिया 8 Pro में ही ये दोनों फीचर्स मिलेंगे। नोकिया 8 Pro जो है वही नोकिया 8 Pro को है, और नोकिया 10 के जो कैमरा वाले फीचर है वो आपको शायद नोकिया 8 Pro में ही देखने को मिलेगा। अगली जाती है वो आती है Hyperloop 1 को लेकर, तो यहाँ पर जो है बहुत कमाल की चीज है कि इंडिया में Hyperloop आ चुका है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड आपको देखने को मिलेगी 1000 km/h की, जिससे मतलब ये बनाया जा रहा है मुंबई से पुणे के बीच में। तो यहाँ पर जो है अब ये डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे मुंबई से पुणे तक का सिर्फ 25-20 मिनट्स में। और यार इतनी हाई स्पीड में भी 25-20 मिनट में ना पहुंचे तो फिर क्या फायदा है Hyperloop का। तो डेफिनेटली यार अब देखते हैं 7-8 साल में ये आपका फंक्शनल हो जाएगा, और मतलब देखते हैं अब क्या होता है। तो अगली आती है वो आती है नोकिया 6 के 4 GB रैम वेरिएंट को लेकर, तो यहाँ पर जो पहले ऐसे लॉन्च कर दिया था इंडिया में, अब ये पहली बार आज जाएगा फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी फोन से जो इस रेंज में आपको नोकिया के देखने को मिलने वाले, तो अगर आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो अगली आती है वो आती है सैमसंग की SSD को लेकर, तो जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाली SSD है, जिसकी कैपेसिटी आपको देखने को 30.72 यानी 30.72 TB की। इससे पहले जो सैमसंग की SSD थी वो थी 15 TB तक की। तो अब जो है ये आपको अनवील कर दी गई है, जो है नाम इसका वो है PM1643, और मतलब देखते हैं अब कब तक आएगी ये मार्केट्स में ऑफिशियली आपके हाथों तक कब पहुंचेगी। थोड़ा जल्दी जाती है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज वाले फोन थे विंडोज फोन 7.5 और 8.0 के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पुश नोटिफिकेशन का फीचर जो है खत्म कर दिया गया है। अब यार कितने फोन चलाओगे पुराने नोकिया लूमिया विंडोज फोन, अब वैसे भी कौन यूज करता है। तो अगली न्यूज आती है वो आती है इंडिया के 4G नेटवर्क को लेकर, तो यहाँ पर जो है एक नया लिस्ट जारी की गई थी 4G नेटवर्क जहाँ पे अवेलेबल है उनकी स्पीड को लेकर। तो यहाँ पर इंडिया अभी मतलब पहले से और नीचे जा चुका है, और यहाँ पर इंडिया में 4G की स्पीड अभी भी स्लो है। फ्रेंड्स अगली जाती है वो आती है HTC Desire 12 को लेकर, तो ये जो फोन है उसका रिटेल बॉक्स जो है लीक हुआ है, जिसमें आपको ऑब्वियसली यार रिटेल बॉक्स में इसकी स्पेसिफिकेशन जो है स्मार्ट डिवाइसेस की होती हैं,
तो यहाँ की स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी 5.5 इंच के HD प्लस डिस्प्ले 720p 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाले डिस्प्ले। वहीं क्वाड कोर मीडियाटेक का आपको यहाँ पर चिपसेट देखने को मिल रहा है। 3GB रैम होगी 12 MP का, यहाँ पर 1080p पर रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा होगा, फ्रंट में होगा 5 MP का कैमरा, और जो बैटरी होगी वो होगी 2730 mAh की। तो फ्रेंड ये थी अच्छी उसका मार्केट टेक्निकल। आई होप आपको न्यूज़ पसंद है। अगर आपको कुछ लगा हो मैंने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपको बताया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन मिले तो चैनल सब्सक्राइब हो सकते हैं, आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे क्योंकि यार मिस भी मत किया करें, क्योंकि आपके लिए इस तरीके की टेक न्यूज और डेली टेक वीडियोस फिलहाल नहीं मतलब आती रहती हैं। आगे जाके चैनल चेक कीजिए, अगर आपको कंटेंट पसंद है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियो को। बस आज की वीडियो में टाइम है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।